अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो का किचन जी। आज मैं आपके लिए मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार मीठा जो कि फ़ौरन बन जाता है और मज़ेदार बनता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कस्टर्ड। इस कस्टर्ड में मैं रंगीन सेवैयाँ शामिल करूँगी जो कि बहुत ही मज़ा देती हैं। कुछ लोग केक डाल लेते हैं, कुछ लोग प्लेन बनाते हैं, कुछ लोग फ्रूट शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये जो मैं आज कस्टर्ड बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत खाया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध जो कि हमने बॉईल कर लिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर अफवान वालों का, यही बेस्ट रहता है। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने लिए रंगीन सेवैयाँ, ये मैंने लिए 2 डिश स्पून। बहुत ज़्यादा ये नहीं डलेंगी वरना बहुत थिक हो जाएगा आपका कस्टर्ड, तो ये इतनी ही बीच में बिल्कुल ठीक रहेंगी। और चीनी मैंने यहाँ पे लिए 6 टेबल स्पून। चीनी हम मीठा तेज़ खाते हैं इसलिए हम ज़रा इतना डालेंगे, अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल ये सही रहता है। और यहाँ मैंने ली है जेली जिससे मैं इसकी टॉपिंग पर डेकोरेशन करूँगी। तो चलते हैं कि हम ये किस तरह बनाते हैं और ये मैं आपको बताऊँ कि जो हम बना रहे हैं कितने बंदों के लिए है। मीठा तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ये तो फ़ौरन ही बाउल गायब हो जाएगा, तो बहरहाल ये 5 से 6 लोग आराम से मीठा खा सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं रेसिपी। यहाँ हमने एक पतीली में 2 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया है। अब पहले हम जेली बना रहे हैं, अब पानी उबलना शुरू होगा तो इसमें हम जेली डाल के इसको अच्छे से हिलाएंगे। आँच हम नॉर्मल रखेंगे इस तरीके से, इसको 3 से 4 मिनट हमने पकाना है। हम जेली इसलिए पहले बना रहे हैं कि जब तक हम कस्टर्ड बनाएंगे ये जम जाएगी, फिर हम कस्टर्ड की तरफ आएंगे। इसको इस तरह से नॉर्मल आंच पे थोड़ी देर पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, ऐसे 2 से 3 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको एक प्लेट में डाल कर जमने के लिए रख दूंगी। ये जेली हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे हमें बॉयल पानी में डाल के 2 से 4 मिनट पकाया है और अब हम इसे इसमें डाल के जमने के लिए रख देंगे जब तक हम अपना कस्टर्ड बनाएंगे और ये जम जाएगी। बहुत आसान है और इसके पैकेट पे भी लिखा हुआ होता है, आप आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। इसका प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब हम कस्टर्ड की तरफ आते हैं। ये हमने पतीली रखी है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा दूध जो है हमने बॉयल कर लिया था। अगर आपका दूध बॉयल नहीं है तो आप उसे पहले से बॉयल कर लीजिए। ये मैं 1 लीटर दूध मैंने आपको बताया है मैं ले रही हूँ, इसको हम नॉर्मल आंच पे करेंगे, ठीक है। और इसमें साथ ही हमने ये सेवैयाँ डाल देनी है, ठीक है। और सेवैयाँ डाल के आपने क्या करना है, चम्मच चलाते रहना है वरना ये बिल्कुल चिपक जाएंगे नीचे। अच्छा, ये सेवैयों के साथ आप कस्टर्ड बना के ट्राई कीजिएगा और एक सादा कस्टर्ड बना के ट्राई कीजिएगा और एक केक के साथ बना के ट्राई कीजिएगा। नंबर 1 पे सेवैयों वाला कस्टर्ड आएगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल ही बहुत यूनिक रेसिपी है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे इतनी देर पकाऊंगी कि ये सेवैयाँ गल जाएं। जब सेवैयाँ गल जाएंगी तो हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये हमने देख लें सेवैयाँ रखी थी हल्की आंच पे, ठीक है। ये 5 से 6 मिनट लगे हैं, इसको हल्की आंच पे ही गलाना है, तेज़ आंच नहीं करनी है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, चम्मच छोड़ेंगे नहीं। अगर आप चम्मच छोड़ेंगे तो सारी सेवैयाँ एक तो गुच्छा हो जाएंगी और नीचे चिपक जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारी सेवैयाँ, देखें आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आराम से गल गई हैं। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं ये जो चीनी है, ये हम शामिल कर देंगे, ठीक है। जितनी देर में चीनी बीच में मेल्ट होगी हम इतने में अपना कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल के रख लेते हैं और आपको बताते हैं। और इसकी हमने आँच हल्की ही रखी हुई है, तेज़ नहीं रखनी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ वरना ये जल जाएगा, लग जाएगा। अब ये जो है कस्टर्ड पाउडर हमने लेके रखा हुआ था, इसमें हम दूध शामिल करने लगे हैं। 1 कप दूध जो मैंने लिया था ये इसमें मैं मिक्स करूँगी दूध, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है कि इसमें एक भी लम्स बाकी ना रहे, बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप इसको सही से नहीं मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो आपका कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल नीचे से लेते रहना है। बाकी का दूध मैं बाद में भी शामिल करती हूँ, हमने 1 कप दूध निकाल लिया था इसी 1 किलो में से,
ये देखें पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिक्स हो गया अच्छे से। अगर आपको शक हो रहा हो और आपसे सही मिक्सिंग ना हो रही हो तो आप इसे छान भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। अभी हो गया, अब मैं इसमें बाकी का ये दूध भी शामिल कर लूँगी, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पर चम्मच चला दूँगी ताकि चीनी मिक्स हो जाए और हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर दें। ये देखें बिल्कुल नीचे बिल्कुल कोई नहीं है, अभी मिक्स हो गया। और एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये कि कस्टर्ड हम एक साथ ही सारा नहीं डाल देंगे, इसका डालने का तरीका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम कटोरी पकड़ेंगे, चम्मच पकड़ेंगे एक हाथ से, चम्मच मुसलसल चलाना है, छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हम आहिस्ता से इसको डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आँच को हम हल्का ही रखेंगे, ठीक है। तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है इस तरीके से, तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है। ये देखें ठीक होना शुरू हो गया। इस तरीके से हम सारा कस्टर्ड ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा चीनी का मैं आपको मैंने बताया है कि हम लोग ज़रा थोड़ा तेज़ मीठा खाते हैं। अगर आपको चीनी का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप इस स्टेज में ये देखें ये बिल्कुल थिक हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, तो आप चीनी एंड में और शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी, चूल्हा बंद, कस्टर्ड हमारा रेडी। और देख लें बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं रहा है क्योंकि हमने मुसलसल चम्मच चलाया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको फिर बताती हूँ। जी हमारी कस्टर्ड रेसिपी तैयार है, अब आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे बना कर ठंडा करके फ्रिज में खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।